Hi everyone, I am Bhavna from AMJ Blast. AMJ Blast is India-based software and we help sellers to grow their business on e-commerce websites. आज जो मैं वीडियो लेके आई हूँ कि कैसे आप अपने प्रोडक्ट पे कूपन कोड क्रिएट कर सकते हो, ये जो वीडियो है ये हमारे सेलर सेंटर वीडियो सीरीज का पार्ट है. सो लेट्स स्टार्ट. Amazon पर अगर आप न्यू सेलर हो या एग्जिस्टिंग सेलर हो, मीन्स आपने अपना प्रोडक्ट लिस्ट किया है Amazon पे और अब आप चाहते हो कि उस पर मैं प्रमोशन करूं, तो Amazon पे 3 types हैं प्रमोशंस करने के लिए. सबसे पहले जो प्रमोशन का वे है वो है Amazon Ads. सेकेंड, आप प्रमोट कर सकते हो अपने प्रोडक्ट को लाइटनिंग डील से. और थर्ड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है कूपन्स. तो इस वीडियो में जो हम बात करेंगे कैसे आप कूपन क्रिएट कर सकते हो अपने प्रोडक्ट पे प्रमोशंस करने के लिए. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कूपन्स क्या है. आपने देखा होगा जब हम ऑफलाइन मार्केट में शॉपिंग करते हैं, जैसे कि मॉल्स वगैरह में या ऑफलाइन शॉप में, वहाँ पे हमें डिस्काउंट मिलता है 20% या 100 रुपीज का ऑफ मनी ऑफ. वैसे ही अमेज़ॉन हमें डिजिटली वे देता है अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए. अमेज़ॉन पे हम वहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स पे कूपन्स क्रिएट कर सकते हैं. कूपन्स 2 type के होते हैं. फर्स्ट, आप मनी ऑफ भी दे सकते हो. सेकंड, आप परसेंटेज ऑफ दे सकते हो. कूपन्स के बेनिफिट्स क्या हैं? कूपन सबसे आसान और अच्छा तरीका है अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, ताकि आप उसे अमेज़ॉन पे सेल कर सकें. अगर आप अपने प्रोडक्ट पे कूपन्स क्रिएट करते हो तो आपका क्लिक रेट इंक्रीज होता है. क्लिक रेट इंक्रीज होने से, इम्प्रूव होने से आपकी कन्वर्जन बढ़ती है. कन्वर्जन इंक्रीज होने से आपकी रैंक इम्प्रूव होती है. रैंक इम्प्रूव होने से आपके प्रोडक्ट पे जो है वो विजिबिलिटी बढ़ती है. तो ये बेनिफिट्स हैं कूपन्स के. कूपन्स कहाँ पे शो होंगे? कूपन्स 2 type से आप सर्च कर सकते हो. फर्स्ट, लैंडिंग पेज. अमेज़ॉन का पूरा एक लैंडिंग पेज है जहाँ पे आप कूपन्स सर्च कर सकते हो कैटेगरी वाइज. सेकंड, आप कीवर्ड से सर्च कर सकते हो. ये देखिए, आयरन का प्लांट सेन है, ये आपको डिफरेंट बनाता है दूसरी लिस्टिंग से. यहाँ पे एक सेलर ने 100 रुपीज का ऑफ दिया है अपने उस पर, तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड है आप रुपीज ऑफ देना चाहते हो या आप परसेंटेज ऑफ देना चाहते हो. 5% ऑफ दिया है, तो आप इसे कीवर्ड वाइज भी सर्च कर सकते हो, देख सकते हो कि कौन से प्रोडक्ट पे कूपन क्रिएटेड है. तो चलिए चलते हैं सेलर सेंटर में. आपको अपने सेलर सेंटर अकाउंट में लॉग इन करना है. वहां पे एडवर्टाइजिंग टैब पे कूपन्स पे क्लिक करना है. जब हम कूपन्स पे क्लिक करेंगे तो हमें ये वाला पेज शो होगा. हमारा ये नया कूपन है, तो अब हम क्रिएट अ न्यू कूपन पे क्लिक करेंगे. जब हम क्रिएट न्यू कूपन पे क्लिक करेंगे तो वो हमसे पूछेगा कि आपने कौन से प्रोडक्ट पे कूपन क्रिएट करना है. तो मेरा जो प्रोडक्ट है वो है मॉडर्न मेटल प्लांट स्टैंड. मैं इसका ASIN नंबर कॉपी करूंगी. मुझे पार्टिसिपेट करना है तो मैं चेकबॉक्स पे क्लिक करके कंटिन्यू पे क्लिक करूंगी. कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मुझे ये वाला ऑप्शन आएगा, सेट शेड्यूल. सपोज मैं चाहती हूँ मेरा जो कूपन है वो आज क्रिएट हो, तो मैं आज की डेट मेंशन करूंगी. और मैं चाहती हूँ मेरा जो कूपन है वो 1 month तक चले, नेक्स्ट मंथ की April 28 तक. देखिए यहाँ पे लिखा है कि जब आप कूपन क्रिएट करते हो तो आप कूपन को क्रिएट कर सकते हो 3 months के लिए, 1 to 90 days. अगर आप इसे एक्सटेंड करना चाहते हो तो आप उसे एक्सटेंड भी कर सकते हो. सेकेंड जो प्रोसेस आता है, सेट डिस्काउंट. अब आप जो हो अपने प्रोडक्ट में किस तरह से डिस्काउंट देना चाहते हो, मनी वाइज या परसेंटेज वाइज. मैं चाहती हूँ कि मैं मनी वाइज ऑफ दूँ, ये आपके ऊपर डिपेंड है. आप 30 रुपीज, 25 रुपीज, 50 रुपीज कितना आप ऑफ दे सकते हो. तो सपोज मैं चाहती हूँ मेरे जो प्रोडक्ट है उस पर ऑफ जो आए वो 20 रुपीज आए. अगर कोई कस्टमर आपके प्रोडक्ट को परचेज कर रहा है तो वो एक बार कूपन यूज कर सके या बार बार यूज कर सके, तो ये आपके ऊपर डिपेंड है. मिनिमम जो बजट होता है आप रख सकते हो 1000 रुपीज. तो 1000 रुपीज, अब आप अपने कूपन का टाइटल कुछ भी क्रिएट कर सकते हो. अब मेरा प्लांटर स्टैंड है, तो मैं चाहती हूँ कि मेरा जो कूपन का टाइटल हो वो हो सेव 20 रुपीज ऑन प्लांटर स्टैंड. अगर आपका कोई भी प्रोडक्ट है आप वो वाला अपना टाइटल दे सकते हो. नेक्स्ट आता है टारगेटिंग. आप अपने प्रोडक्ट को जो टारगेट है वो किसको करना चाहते हो, ऑल कस्टमर्स को या प्राइम मेंबर्स को.
अगर आप टेस्टिंग करना चाहते हो, आपके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, आप उन पे कूपन क्रिएट करना चाहते हो, तो आप टेस्टिंग कर सकते हो। आप देख सकते हो किस पे कन्वर्जन क्लिक आ रहा है, ऑल कस्टमर्स पे या प्राइम मेंबर्स। तो अब मैं चाहती हूँ कि मेरे जो प्रोडक्ट हो वो ऑल कस्टमर्स को टारगेट हो, तो मैं ऑल कस्टमर्स पे क्लिक करूँ। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है। डिटेल्स फिल करने के बाद आप अपने प्रोडक्ट को रिव्यू कर सकते हो, अपने कूपन जो आपने क्रिएट किया है। मैंने जो टाइटल डाला था वो डाला था सेव 20 रुपीज ऑन प्लांटर स्टैंड। देखिए डिस्काउंट 20 रुपीज। बजट तो था मेरा, वो था मिनिमम 1000 रुपीज से स्टार्ट होता है, तो वही मैंने डाला था। शेड्यूल मैं चाहती थी कि 1 मंथ तक ये शेड्यूल हो। अगर आप एक्सटेंड करना चाहते हो तो वहां पे आप डेट इंक्रीज कर सकते हो। देखिए इस तरह से वो आपको आ गया। जब आपने रिव्यू कर लिया तो अब आपने सबमिट वाले बटन पे क्लिक करना है। देखिए हमारा जो कूपन है वो सबमिशन के लिए चला गया है। 5-6 घंटे में ये लाइव हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। फिर मैं आपको बताऊंगी कूपन लाइव होने के बाद कैसे शो होगा। देखिए हमने जो कूपन क्रिएट किया था 5-6 घंटे पहले, अब वो लाइव हो चुका है। अब कोई भी कस्टमर अगर इस कूपन पे चेकबॉक्स पे क्लिक करता है तो उसे 20 रुपीज का ऑफ मिलेगा। सो इस तरह से इजीली आप कूपन क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स पे भी कमेंट कर सकते हो या आप हमारी वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हो।